यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसे ये गौर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव गौर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सबके सब एकजुट है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ पिछड़ा वर्ग भी एकजुट है और सामान्य वर्ग ने भी उन्हें पटखनी देने की ठान ली है। इन परिवारवादियों ने अपने 5 साल में गरीबों पर जितना अत्याचार किया वो मेरे गरीब भाई बहन उसे कभी भूल नहीं सकते और इसलिए आज 5वें चरण में भी भाजपा को और उसके सहयोगी दलों को अपना दल हो निषाद पार्टी हो एनडीए को जमकर वोट मिल रहे हैं और हर तरफ एक ही गूंज है आएगी तो भाजपा ही आएंगे तो योगी ही। भाइयों और बहनों इन गौर परिवारवादियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान दिया। आपको हमेशा हाशिए पर रखा। देवरिया के लोगों को याद है कि घर में कोई बीमार पड़े तो आधी रात को कैसे जीप लेकर गोरखपुर भागना पड़ता था। दशकों से ऐसा हो रहा था लेकिन पहले की सरकारों ने आपकी जरूरत पर ध्यान ही नहीं दिया। गोरखपुर, देवरिया और आसपास के क्षेत्र में दिमागी बुखार से कितने ही मासूम बच्चों को दुखद मृत्यु हो जाती थी लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए इन परिवारवादियों ने कुछ नहीं किया। ये योगी जी की सरकार का ही प्रयास है कि इस क्षेत्र में दिमागी बुखार काबू में आया है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जीवन बच रहा है। अभी कुछ समय पहले मुझे यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों का एक साथ लोग